दूसरे चरण के 94 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन सरगर्मियां कम नहीं हुई हैं। बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, और चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ नटसेल में निकल करके आया है उस पर मंथन के दौर शुरू हो गए हैं। 3 तारीख को मतदान होंगे और इस मतदान के पहले कई बातें चर्चा में जबरदस्त ढंग से हैं। इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के भी लिटमस टेस्ट का ये पूरा 94 सीटों का लब्बो लुआब रहेगा। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे लगातार जनता के ऊपर छोड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग अचानक से दल बदल करके आए थे, अचानक से बागी हो गए थे। इन सब में सबसे आगे अगर बागी लोगों को या दल बदल वाले को किसी ने प्रश्रय दिया तो वो नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी है। नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और सर्वे सर्वा है, वन मैन आर्मी कहा जाता है कि जदयू है, और यही कारण है कि जदयू में कैडर का अभाव है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जदयू में कैडर नहीं होने के चलते अक्सर नीतीश कुमार कभी कभी पीछे बैकफुट पर चले जाते हैं। कई ऐसी रैलियां हुई, कई ऐसे आयोजन हुए जिसमें आपने देखा होगा कि आयोजन भले ही दावे बहुत किए जा रहे हों लेकिन फेल नजर आए। इसके पीछे कारण था कि सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई नेता हैं अलग अलग पार्टियों में, आपने देखा होगा कि सांगठनिक तौर पे या तो एक व्यक्ति पूरे संगठन पर पूरी तरह से अपना सिक्का जमा करके रखता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या है होता है कि अक्सर इनके साथ वाले लोग बदलते रहे हैं। आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर इनके कोई करीब था तो वो थे प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर करीब रहते हुए जितनी उनको सम्मान मिली थी, जितना वो जदयू को और नीतीश कुमार को अपने पिता तुल्य कह के और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे, वो सब ने देखा है और उन्होंने उसका कई बार उदाहरण भी दिया है। लगातार बैठकों का दौर करना, युवाओं पर भरोसा करना, अधिक से अधिक लोगों को जिम्मेवारियाँ देना, और जब आप किसी पर जिम्मेवारी देकर के उस पर भरोसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में ऐसे लोग बड़ी कारगर सिद्ध होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को कार्य दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई है और आरएसएस एक बहुत ही मजबूत सांगठनिक विंग है जो अनुशासित होकर के अपने काम को अंजाम देता है और जिसे जो जिम्मेवारियाँ दी जाती है उसे वो पूरा करता है, क्योंकि भरोसा करके उसे जिम्मेवारी दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर, आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में घूम घूम के एक चाय वाले कहा करते थे, वो ये कहा करते थे एक चाय वाले पर उनकी पार्टी ने भरोसा किया है, देश की जनता को भी भरोसा करना होगा। लेकिन इस तरह की बातें और जगह नज़र नहीं आती है। हाँ, अगर बात करें कैडर की और कार्यकर्ताओं की तो एग्रेसिव कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने भी अपने साथ जोड़े हैं। आरजेडी के भी कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे कि बहुत ही एग्रेसिव हैं और वो डाई हार्ड फैन जिसको कहते हैं वो उस तरह के हैं, चाहे वो लालू प्रसाद के साथ हो या फिर तेजस्वी, जिसे भी उस कुर्सी पर बैठा दिया गया। जब राबड़ी देवी को बैठा दिया गया तब भी आपने देखा होगा कि चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोगों ने उसका समर्थन किया था और बिल्कुल मूक समर्थन किया था। ये संगठन की एक शक्ति होती है जिसे लेकर के आप कोई भी फैसला करने में पीछे नहीं हटते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा ही किया है। इस बार उन्होंने सांगठनिक रूप से फैसले लिए हैं। कई लोग नाराज भी हुए और नाराज लोगों को उन्होंने बाहर जाने के लिए रोका भी नहीं। कई लोग अलग अलग दल से लड़ रहे हैं, लेकिन जदयू का लिटमस टेस्ट और तेजस्वी का लिटमस टेस्ट हमने इसलिए कहा कि कई लोग जदयू से भी आरजेडी में आए हैं, पर तेजस्वी यादव ने उन लोगों को किनारे बैठा दिया है। दूसरी पारी में उनको अवसर मिलेगा, पहली पारी में वो टीम से आउट हैं, यानी कि चुनावी टीम से आउट हैं। जैसे आपने देखा होगा कि श्याम रजक की बात करें, श्याम रजक लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, एक लंबा उनका इतिहास रहा है, लालू प्रसाद के साथ रहे हों या फिर नीतीश कुमार के साथ रहे हों, वो हमेशा सत्ता के करीब रहे। 2015 की बात छोड़ दें तो वो अक्सर जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसके मंत्रालय में उनको स्थान मिला है, लालू प्रसाद ने भी दिया था और नीतीश कुमार ने भी दिया था, लेकिन कारण ऐसे थे कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर के फिर से अपने पुराने घर में चले आए, लेकिन उन्हें टिकट इस बार नहीं मिला। ऐसे और कई नाम हैं, पर पहले चरण में कुछ नाम ऐसे थे जिनको आरजेडी से आए थे
कांग्रेस से आए थे, उन्हें नीतीश कुमार ने टिकट दिए और हमने आपको बताया भी था कि स्थिति बहुत ज़्यादा उनकी मजबूत नहीं थी, लोगों में एक भाव थे कि ये तो दल बदलू है। आप समझ रहे हैं कि 2015 और 17 में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भी बिहार की जनता के जहन से आप बातों को नहीं निकाल सकते हैं। जिस तरह से बार बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जंगल राज जो 2005 वाले शासन को कहते हैं उसे भुलाने की कोशिश नहीं करते हैं, भुलाने नहीं दे रहे हैं, वैसे ही 2015 और 2017 के बीच क्या कुछ हुआ उसे भुलाने देना विपक्ष नहीं चाह रहा है। और ऐसे ही लोगों को जो टिकट पाने की उम्मीद में और आरजेडी को छोड़ करके दूसरे दल में गए थे, खास करके जदयू की बात करें तो उन लोगों को भी नीतीश कुमार ने भरोसा करते हुए टिकट दिया है, लेकिन अब यही उनके लिए गले की हड्डी बनने लगे हैं। बात करें तो चंद्रिका राय की, वो भी लड़ रहे हैं, फराज फातमी लड़ रहे हैं चुनाव, पंकज मिश्रा लड़ रहे हैं, इसके अलावे सुनील कुमार लड़ रहे हैं, फुलपरास से शीला मंडल लड़ रही, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, इसके अलावे अभी और भी है, विजेंद्र यादव ने चुनाव लड़ रहे थे, नाम का फहरिस्त लंबा है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से सुदर्शन चुनाव लड़े, जयवर्धन चुनाव लड़े, इन सब लोगों पर भरोसा किया गया है, लेकिन स्थिति जो है वो काफ़ी कांटे के टक्कर वाली हो गई है। जो पहले स्थिति थी चंद्रिका राय के बारे में तो आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लगभग 30% से आशा से ज़्यादा उनका मार्जिन था जीत का, तो ये भी बात थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव ने कड़ा स्टैंड लेते हुए जो लोग बाहर से आए थे उन्हें यथास्थिति रख दिया है और अपने लोगों कैडरों पर भरोसा किया, कुछ लोगों को टिकट मिला है, जैसे ऋतु जायसवाल है, ऋतु जायसवाल को टिकट मिला है, महिला होने का भी उन्हें फ़ायदा मिला है। और दूसरा कि वो जिस समय आई थी उनका एक अलग तरह से नाम है, महिला मुखिया के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसको देखते हुए हो सकता है उनका चयन टिकट के लिए किया गया हो, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट से वंचित रखा गया है। अब ये दूसरे चरण का मतदान 3 तारीख को होगा, जनता क्या फैसला करती है, क्या ऐसे लोगों के को लिटमस टेस्ट में पास करती है, और अगर ये पास कर देती है तो नीतीश और तेजस्वी का दोनों का ही लिटमस टेस्ट देखने वाली होगी कि 10 तारीख को क्या परिणाम लेकर के आता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।